सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कौमी खजाना भरने लगा है। 25 लाख के बजाय 45 करोड़ रुपए अब आएंगे। जिले इंतजामिया ने 22 पेट्रोल पंप्स की नीलामी मुकम्मल कर ली है। तमाम पेट्रोल पंप्स 45.5 करोड़ रुपए में नीलाम। कबल अजी पंप्स की लीज से सिर्फ 25 लाख रुपए मौसूल होते थे। गार्डन सर्विस स्टेशन बागबानपुरा 1.46 करोड़ रुपए में नीलाम। इसी हवाले से आपको बताएं तो एरोहेड पेट्रोल पंप वाहदत रोड 2.83 करोड़ रुपए में नीलाम। लाहौर न्यूज़ ने पंप्स नीलामी की लिस्ट हासिल कर ली। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे, इमरान मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान मलिक, आगाह कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल कौमी खजाना भरने लगा है। आज बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया ने आखिरकार अपनी रिट कायम कर दी है। 22 पेट्रोल पंप्स का मामला था, शहर लाहौर में इन 22 पेट्रोल पंप्स को 10 फरवरी को सील कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, और कल यानी कि रात तक इसकी नीलामी जारी रही और 45.5 करोड़ रुपये में 22 पेट्रोल पंप्स की नीलामी की गई। और आखिरकार जो इन पेट्रोल पम्प से 25 लाख रुपये, सिर्फ 25 लाख रुपये खजाने में आते थे, और सालों साल से जो पेट्रोल पम्प्स थे मालिकान थे वो सिर्फ और सिर्फ चंद लाख रुपए जो है वो खजाने में जमा करवा रहे थे। उन्हीं पेट्रोल पंप्स की उसी सरकारी जगह की लीज जो है 45.5 करोड़ रुपए में की गई है। ये कुछ छोटी बात सामने नहीं आई, इसी वजह से कि ये खजाने में जो पैसों की लूट मार हो रही थी उनको फौरी तौर पर उनको ख़त्म कर दिया गया। उनके जो लोग खजाने को दबोच रहे थे उनकी जो रिट थी वो आखिरकार ख़त्म कर दी गई। पहले ये नीलामी कभी भी नहीं करवाई गई, पहली बार ये नीलामी करवाई गई है। तमाम शहर के स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया, पंप्स मालकान ने सुबह 10 बजे नीलामी शुरू हुई और रात को 12 घंटे बाद जाकर 10 बजे ये नीलामी हुई। 45.5 करोड़ रुपया जो है वो अब खजाने में आएगा, जिससे स्कूल बनेंगे, जिससे हेल्थ में ये पैसे काम आएंगे। और इस वाले से डीसी लाहौर सालिया सईद के इस काम को सराहा जा रहा है। और इस वाले से अगर बात की जाए 22 पेट्रोल पंप्स की, तो शेख पेट्रोलियम सर्विसेज किला गुजर सिंह सरकारी इब्तदाई नीलामी जो इसकी 99 लाख रुपये में की गई, और इसके साथ साथ इसी तरह 21 पेट्रोल पम्प्स हो रहे हैं जिनमें करोड़ों रुपए की नीलामी की गई है। और ज़िला इंतजामिया ने का कहना है कि 25 लाख रुपए में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। एक पेट्रोल पंप मुल्तान रोड पे ऐसा था कि जो वो सिर्फ 500 रुपये फी पंप की लीज़ का दे रहे थे सालाना, अब सालाना जो है लाखों ने करोड़ों रुपए वसूल किए जाएंगे।